हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू टॉपर्स हब। एसएससी सीजीएल शुरू हो चुके हैं तो इसलिए जल्दी से जल्दी अब हम नवंबर करंट अफेयर्स करते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, विच स्टेट यूटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी विद 11,320 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, पहली बात तो डिफरेंस पता करो कि पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन होती है पूरे एक एरिया की, ठीक है, उसमें कितने, मतलब पूरे एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो जो हाईएस्ट है वो है दिल्ली की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी की, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली की, ठीक है। वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं 11,320 पीपल, ठीक है। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश के, जहाँ पे रहते हैं सिर्फ 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट 2019 हेल्ड। तीसरा ग्लोबल आयुर्वेदिक समिट कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका कोची, केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द 2019 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको COP25 भी कहते हैं। ये जो समिट थी ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी मैड्रिड में, स्पेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हु वॉज कन्फर्ड विद द 28th व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2018 फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन। जितने लोग उतना प्रेम, ठीक है। किन्हें व्यास सम्मान मिला है 2018 का, उनकी कविता के लिए जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, वो मिला है लीलाधर जगूड़ी जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑन अक्टूबर 30, 2019। सीईओ और एमडी धनलक्ष्मी बैंक के कौन है? ये हैं आपके टी लथा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हु वॉज ऑनर्ड विद द फर्स्ट आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2019 दैट वॉज हेल्ड इन गोवा। जो गोवा में फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है एस रजनीकांत जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, विच सिटी वॉज डेजिग्नेटेड एज द मेंबर ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन फील्ड ऑफ गेस्ट्रोनॉमी। गेस्ट्रोनॉमी क्या होता है? किसी भी चीज़ का परफेक्शन, खाने का चॉइस का, ठीक है, इसको बोलते हैं गेस्ट्रोनॉमी। और इसके लिए भारत की कौन सी सिटी चूज की गई है यूनेस्को द्वारा? ये की गई हैदराबाद, तेलंगाना में है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हु वाज सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस इटालियन गोल्डन सैन आर्ट अवार्ड 2019 ड्यूरिंग द इंटरनेशनल स्कोराना सैन नेटिविटी फेस्टिवल इन इटली। इटली में जो ये फेस्टिवल हुआ था इसमें इटालियन गोल्ड सैन आर्ट अवार्ड किसको मिला है, किस भारतीय को मिला है? ये मिला है सुंदरसन पटनायक को, सुदर्शन पटनायक जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हु चेयर्ड द एम्पावर्ड कमेटी दैट रिकमेंडेड टू सेटअप एंड स्ट्रेंथन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स एंड वुमेन हेल्प डेस्क इन पुलिस स्टेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसलिए बनाई गई थी ताकि महिलाओं की और लड़कियों की जो ट्रैफिकिंग होती है, उनके साथ जो शोषण होते हैं, जो शोषित महिलाएं हैं, उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है, उनके लिए हर पुलिस स्टेशन में, ताकि आप एक वुमेन हेल्प डेस्क हो, ठीक है। और ये किया गया था, इसको जो चेयर किया गया है वो किया गया है रविंद्र पवार जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेम द फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान दैट हेल्ड रिसेंटली। इंडिया और उज्बेकिस्तान की सबसे पहली जो एक्सरसाइज हुई है आर्मी की, वो के उसका नाम क्या है? वो है डसलेक, डस डसलेक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, वट इज द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन ईयर 2020-24 एज पर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। क्या है जीडीपी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू ओईसीडी? ये है आपकी 6.6%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हु वन द इंडियाज रिचेस्ट जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2019 फॉर द डेब्यू नॉवल द फार फील्ड। द फार फील्ड नॉवल के लिए ये इंडियाज रिचेस्ट जेसीबी अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है आपके माधुरी विजय जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नेम एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक? कौन बने हैं एमडी और सीईओ इंडसइंड बैंक के? ये बने हैं सुमन कटपालिया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज,
Name the former president of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and chairman of Modi Enterprises who passed away recently. कौन है वो जो प्रेसिडेंट भी थे फिक्की के और चेयरमैन भी थे मोदी एंटरप्राइज के. ही वॉज के मोदी. ये रेडी मूवी वाले के मोदी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. व्हाट इज द थीम ऑफ 50th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट वॉज हेल्ड इन डेवर्स क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड एंड इन ईयर 2020. क्या है इसकी थीम? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा कि जो थीम थी वो थी स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड. ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Name the Indian delegates who visited Thailand to address the 35th ASEAN summit. कौन थे वो जो ASEAN summit को delegate करने गए थे हमारे यहाँ से? He was Narendra Modi ji. क्या India ASEAN summit का part है? ASEAN का part है. ASEAN is ASEAN की full form है आपकी Association of South East एशियन नेशन. ओके, क्या इंडिया इसका पार्ट है? नहीं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP में? कितने मेंबर्स हैं RCEP में? करेंटली हैं 15 मेंबर्स. अब देखिए, व्हाट इज RCEP? RCEP एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कंट्रीज के बीच में. ठीक है, जिसके जो मेंबर्स हैं वो हैं ASEAN कंट्रीज, ठीक है, ASEAN कंट्रीज और FTA की 6 कंट्रीज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की 6 कंट्रीज. ठीक है, ASEAN की 10 कंट्रीज, टोटल हो गए थे 16. लेकिन इंडिया ने FTA साइन नहीं किया है, RCEP साइन नहीं किया है. ठीक है, तो अभी ये बच गए 15. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2020 में इंडिया ये साइन कर सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री सेट टू होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020? कौन करेगा? दिस इज इंडिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Who chaired the committee constituted by the Reserve Bank of India that recommended to tighten the corporate governance norms in the core investment companies? कौन है? वो कमेटी किसने चेयर की? सबसे पहले तो आप ये बताओ, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती क्या हैं? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो होती हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं. ठीक है, जो जिनका काम होता है जो सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, शेयर, ये सब इन चीज़ों में डील करती है. ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं. इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए, पॉलिसीज को टाइटन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है RBI के द्वारा. वो किसने हेड की थी? ही वॉज तपन रे. ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द फर्स्ट इंडियन हु वॉज कन्फर्ड विद द डेमिंग अवार्ड. डेमिंग अवार्ड पाने वाले पहले जो पर्सन हैं इंडियन वो कौन है? ही इज वेणु श्रीनिवासन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच कंट्री सुप्रीम काउंसिल ऑफ यूनियन हैज इलेक्टेड शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान एज इट्स फोर्थ प्रेसिडेंट ऑन November 7, 2019. ओके, ये कहाँ के सुल्तान हैं? ये हैं UAE के. ठीक है, UAE के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं थोड़ा सा ज्यादा, तो एक हॉट स्टार पे एक सीरीज है हिस्ट्री ऑफ एमिरेट्स करके, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, 3 एपिसोड की वो सीरीज है, आप उसको देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेम द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया दैट हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल फ्रॉम November 6. कौन सी हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में? दिस इज समुद्र शक्ति. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who will head the 7-member panel constituted to implement 100-day homestay of the CAPF? Okay. वो पैनल, 7-member का जो पैनल है वो किसने हेड किया, जिसके जो किस बारे में है ये? हमारे जवान जो होते हैं CAPF के, उनके 100-day homestay के लिए. ठीक है, ताकि वो घर पे रह सके. ये हेड किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था अतुल करवाल जी के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज.
Which city will host the first mainland Milan multilateral naval exercise in the year 2020? कहाँ पे होगा ये? ये होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. ठीक है, next please. Name the Indian delegates who chaired the 10th meeting of head of departments of member states of SCO 2019. किसने किया था ये head? ये किया था अमित शाह जी ने. ठीक है, ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी थाईलैंड में, बैंकॉक में. ठीक है, ओके. क्या इंडिया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? यस, इंडिया है. ठीक है, इसके जो टोटल कंट्रीज है ना, ओके, इसके जो टोटल कंट्रीज हैं वो हैं 8 मेंबर स्टेट्स हैं इसके. ठीक है, इसमें 4 ऑब्जर्विंग ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 6 हैं आपके डायलॉग पार्टनर्स. और जो 8 मेंबर स्टेट्स है ना, इसमें इंडिया आता है. ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये किस लिए है? ये रीजनल मुद्दों पे बात करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जैसे कि रीजनल टेररिज्म. हाल ही में इसमें रीजनल डेवलपमेंट के बारे में भी बात की गई है. ठीक है, हम रीजनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? रीजनल टेररिज्म हो गया, आपका जो भी सिक्योरिटी इशू हो गए आपके. ठीक है, ये इन मुद्दों पे बात करती है ये ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और इंडिया का पार्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Which country is the partner country of the first edition of Rising Himachal Global Investor Meet 2019 in Dharamshala, Dharamshala, Himachal Pradesh में जो ये Global Investor Meet हुई थी, इसके जो partner थे वो कौन थे? इस बार जो country थी वो थी UAE. ठीक है, next question please. What was the theme of 5th edition of India International Science Festival? इसकी theme क्या थी? इसकी theme थी रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हु वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस? कौन है जो बने हैं अभी? वो है प्रवीण जगन्नाथ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेम द फर्स्ट इंडो रशियन जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज द वॉज हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम डिसम्बर 10 to 19. क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंद्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द थीम ऑफ 19th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? क्या थीम थी? इसकी थीम थी प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रोस्पेरिटी इन इंडियन ओशन. ठीक है, ऑप्शन बी इसकी थीम थी. और ये इसका काम क्या होता है? इसका काम है ये जो ओशन में होता है ना, ओशन एरिया में जितने भी मिनरल्स और खनिज वगैरह हमको मिलते हैं, ठीक है, ये उसके लिए मीट होती है. ठीक है, ताकि उससे किस देश को कितना फायदा हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच कंट्री अज्यूम्ड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन प्रेसिडेंसी? किसने किया था? ये किया था आपके यूएई ने इस बार. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Who won the first ever instituted George Scheller Lifetime Award for year 2019 for his contribution in the field of wildlife conservation? किसे मिला है wildlife conservation के लिए इस बार ये award? ये मिला है इस बार उल्लास करंथ जी को, option 1. Next question please. Name the Raman Magsaysay awardee and former chief election commissioner who passed away. जिन्हें Raman Magsaysay award भी मिला है और हमारे chief election commissioner भी रहे हैं, ये कौन थे? ये थे आपके नारायण अय्यर सेशन. ठीक है, ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हु विल चेयर द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू ड्राफ्ट अ न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी? कौन है ये? ये कमेटी बनाई गई है पानी वाटर रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, उनका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए. और इसको चेयर किया था मिहिर शाह जी ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. What is the revised India's GDP for fiscal year 2020 as per the State Bank of India report? State Bank ke according, kitni rahi hai GDP? Wo rahi hai 5%. Next question please. Surang Bawdi was
सेलेक्टेड एज द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट फॉर 2020, इट इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये कहाँ पे है? ये है आपकी विजयपुर कर्नाटका में, सुरंग बावड़ी नाम से ही पता चल रहा है क्या है। ये एक वाटर सिस्टम है जो कि, ये बहुत पुराना वाटर सिस्टम है, ठीक है, जो कि टनल के रूप में पहले था, बनाया गया था इसको पुराने हमारे पूर्वजों ने, तो वो उस सिस्टम को दोबारा से ये रिनोवेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको दोबारा से ये ताकि वो दोबारा से काम कर सके, इसलिए ये उसके लिए है, ठीक है, और ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में चुना गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 19th काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इन द ईयर 2020? कहाँ होगी ये काउंसिल? ये होगी आपकी इंडिया में 2020 में, SCO वाली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया एशियन बिजनेस समिट 2019? क्या थी इसकी थीम? इसकी थी टुडे टुमारो एंड टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज द रिवाइज GDP ऑफ इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 20 बाय द जैपनीज ब्रोकरेज फर्म नोमूरा? जैपनीज ब्रोकरेज फर्म नोमूरा के अकॉर्डिंग हमारी GDP कितनी है 2020 में? वो है 4.9%, ठीक है। नोमूरा ने जितनी भी आज तक हमारी GDP बताई है उसकी ये सबसे कम रही है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट वाज द थीम ऑफ 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस? क्या रही है इसकी जो थीम थी? वो रही है आपकी ऑप्शन नंबर 1, रूरल एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस, क्रिटिकल इनपुट टू अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर फोरकास्ट 20 फोरकास्टेड बाय मूडीज? कितना रहा है? ये रहा है 5.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड कबड्डी कप 2019? पंजाब, इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 2020 रिपब्लिक डे? कौन थे? ये थे जेस जेर मेसियास बोल्सोनारो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेम द इंडियन प्रोफेशनल स्प्रिंटर हु वॉज इंक्लूडेड इन द टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट? कौन थे जिन्होंने ये टाइम नेक्स्ट की लिस्ट में आए, टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में आए हैं? ही इज दूती चंद, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। वेयर वॉज द सिसेरी रिवर ब्रिज इनॉग्रेटेड ऑन नवंबर 15, 2019? कहाँ पे बना है ये सिसेरी रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना है, सिसेरी रिवर ब्रिज, ये बना है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिबंग वैली है, ये वहाँ बना है। इसके बनने से कि पहले बात तो ये कितना लंबा है, ये है 200 मीटर इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, इतना लंबा ये ब्रिज है सिसेरी रिवर पे जो कि दिबंग वैली में है, ठीक है, ठीक है। और इसके बनने से 5 घंटे और कम यात्रा हो गई है, मतलब कि 5 जो घूम के जाना पड़ता था वो 5 घंटे आप बचा के आप डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेम द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर विच इज एग्जेम्प्टेड बाय द न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रूल्स 2019? कौन है? कौन सी ऐसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको बचा लिया गया है, जिनको उससे बाहर रखा गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रूल्स 2019? इनसे, ये हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर्स, बैंक्स, इनको बाहर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट वाज द थीम ऑफ 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स? क्या थीम रही है इसकी? इसकी थीम रही है ऑप्शन नंबर 4, स्टैटिस्टिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू अचीव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हु चेयर्ड द 23 मेंबर डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इन डिजाइन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रीमियम बाइसिकल? कौन रहे इसको जो हेड किया जिन्होंने? वो हैं गुरुप्रसाद मोहापात्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वेयर वॉज द 9th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर द ईयर 2019 हेल्ड? कहाँ पे हुई है ये पैरा एथलेटिक्स वाली चैंपियनशिप जो हुई है? ये हुई है आपकी दुबई UAE में, ठीक है, ऑप्शन 1।
Where was the second phase of Indian Army exercise named Sindhu Sudarshan 7 held? कहाँ पे हुई है ये? ये हुई है राजस्थान में, ठीक है? Next question please. Where was the fifth international conference on yoga for the year 2019 held with the theme yoga for heart care? कहाँ पे हुई है ये? Fifth international conference on yoga. ये हुई है आपकी मैसूरू कर्नाटका में, option number 3. Next question. Name the first country in the world that launched new typhoid conjugate vaccine approved by the World Health Organization WHO द्वारा. ये जो typhoid conjugate vaccine थी, ये सबसे पहले किस country ने अपने यहाँ लागू की? ये किया पाकिस्तान ने. Next question please. Which bank has approved $75 million loan to Tata Cleantech Capital Limited to help mobilize private capital into renewable energy, power transmission and water infrastructure? किस बैंक ने दिया ये लोन? ये दिया है आपके AIIB, ऑप्शन नंबर 3, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. व्हिच सिटीज ग्रीन टी एंड व्हाइट टी रिसीव द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट टैग ऑन नवंबर 16, 2019? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है? GI टैग मिलता है जब किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर फ्रूट या फिर कोई पर्टिकुलर चीज जो वहाँ की फेमस हो, जैसे कि बिहार की लीची, ठीक है, और जैसे कि किसी जगह का सिल्क फेमस होता है, किसी जगह की टी फेमस होती है, मतलब कोई भी चीज़ ज्योग्राफिकली जिस एरिया को उस चीज़ से जाना जाता है, तो उस एरिया को ना वहाँ का टैग दे दिया जाता है, ठीक है? तो ये जो व्हाइट टी और ग्रीन टी का टैग मिला है, ये मिला है दार्जिलिंग स्टेट को, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज इलेक्टेड एज द 7th एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका ऑन नवम्बर 17? कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे महिंदा राजपक्षे जी. ओके, ये प्रेसिडेंट बने हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इन्हीं के भाई हैं, इन्हीं के बड़े भाई, गोटाबाया राजपक्षे जी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेम द फर्स्ट इनॉग्यूरल एडिशन ऑफ जॉइंट बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज दैट हेल्ड बिटवीन कतर एंड इंडिया. ये है आपकी ज़ाइर अल बहर, रोर ऑफ द सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3. What is the rank of India as per the International Institute of Management Development's report titled World Talent Ranking 2019? क्या रैंक रही है भारत की इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट में, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अकॉर्डिंग? इंडिया की रैंक रही है हमारी 59th, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which bank has signed $91 million loan agreement under Karnataka Integrated and Sustainable Water Resources Management Investment Program to renovate the Vijayanagar Channel Irrigation System? किसने दिया है ये लोन? ये दिया है Asian Development Bank ने, ठीक है? Next question. What percentage of gross domestic product GDP growth of India for the year 2019 was forecasted by the National Council of Applied Economic Research? इनके अकॉर्डिंग, NCAER के अकॉर्डिंग हमारी GDP ग्रोथ क्या है? हमारी GDP ग्रोथ है 4.9%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. शाहीन फन सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल वॉज टेस्ट फायर्ड रिसेंटली, इट बिलोंग्स टू विच कंट्री? किस कंट्री ने किया है शाहीन? इट्स अ उर्दू वर्ड, इट मस्ट बी पाकिस्तान. ओके, नेक्स्ट प्लीज. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एवर CTTTX होस्टेड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? CTTTX इज काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज. ये किसने की है? ये की है इनमें, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? दीज आर क्वाड कंट्रीज. क्वाड से जैसे कि आपको समझ आ ही रहा होगा, ये 4 कंट्रीज हैं, ठीक है? 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं इसमें? इंडिया, USA, जापान एंड आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ये 4 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिपोर्ट टाइटल 2019 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म? विच लिस्ट कंट्रीज अफेक्टेड बाई टेररिज्म इन द ईयर 2018? सबसे ज़्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया का कौन सा नंबर? इंडिया का है 7th नंबर. ओके, फर्स्ट पे है अफगानिस्तान, ठीक है? वहाँ का जो तालिबान ग्रुप है उसकी वजह से वो अफेक्टेड है, ठीक है? सेकंड है सीरिया, सेकंड रैंक आई है सीरिया की ISIS की वजह से. ओके, इंडिया के ये 7th, एक्चुअली में यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन हाँ ये टेररिज्म
टेररिस्ट इफेक्टिव कंट्री जरूर है सेवेंथ रैंक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच इंडियन सिटी टॉप्ड एंड रैंक्ड 83rd पोजीशन इन द फर्स्ट प्रोस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड इंडेक्स 2019? किसे मिला है ये 83rd पोजीशन? 83rd पोजीशन तो जरूर मिली है, लेकिन रैंक रैंक इसकी 83rd जरूर रही है, लेकिन सबसे बेस्ट रही है। इसका ऑप्शन है फर्स्ट बेंगलुरु, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच कंट्री हैज अप्रूव टू सेल 13 MK-45 नेवल गन्स टू इंडिया एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $1 billion? कौन देगा हमें ये गन्स? ये देंगे USA, ठीक है। नेक्स्ट इज, Who were bestowed with the International Children's Peace Prize 2019 organized by the Dutch Kids Right Organization in the Hague, Netherlands? इसमें होने वाली जो पीस प्राइज मिलेगा डच में होने वाले जो एक डच में ऑर्गेनाइज्ड एक इवेंट है जिसमें पीस प्राइज मिलना है, ठीक है, चिल्ड्रंस पीस प्राइज मिलना है, ये किसे मिलेगा? ये मिलेगा आपके ग्रेटा थनबर्ग एंड डिवीना मोलुम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Which word was declared as the world word of the year 2019 by Oxford Dictionary? Oxford Dictionary द्वारा सबसे ज़्यादा use किया जाने वाला word, ठीक है, वो कौन सा है word of the year 2019? वो है आपका climate emergency, ठीक है। Okay, next question please. Who won the India's highest literary award 59 Jnanpith Award? किसे मिला है? ये मिला है हमारे अक्कीथम अच्युथन नंबूदरी जी को, ठीक है। Okay. नेक्स्ट इज, विच स्टेट टॉप अमॉन्ग द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड्स? किसने किया है ये जो स्टेट टॉप किया है? ये किया है तमिलनाडु ने, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु फर्स्ट आया है, सेकंड है कौन? ये तो स्टेट्स हो गए, ठीक है, स्टेट्स हो गए। किसने स्वच्छता में जो स्टेट स्वच्छता में टॉप किसने किया है? ये किया है आपका तमिलनाडु ने, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें किसने टॉप किया है? पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ने, ठीक है, ये इसने किया है। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा जल्दी रैंक डाउन जाने वाले जो स्टेट है दैट इज हरियाणा, ठीक है, गुजरात थर्ड पे आया है, हरियाणा, फरीदाबाद और रेवाड़ी। समझ में आया आपको? फर्स्ट जरूर इसको रैंक मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से जो बेहतर हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद है, ठीक है, और वो स्टेट हरियाणा। ओके, नेक्स्ट इज, नेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया that installed first of its kind high-end reverse transcription polymerase chain reaction machine for quick detection of disease such as dengue, tuberculosis, swine flu. इस तरह की बीमारियों का पता लगाने के लिए जो एक मशीन आई है, ठीक है, जिसको RT-PCR कहते हैं, वो किस सिटी में सबसे पहले इंस्टॉल की गई है? ये की गई है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Where was the Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA approved setting up of National Institute of Sowa Rigpa? ये था लेह में, ठीक है, यहाँ पे हुई है ये। Who was appointed as the 23rd Prime Minister of Sri Lanka? कौन बने हैं श्रीलंका के? ये बने हैं हमारे महिंदा राजपक्षे जी, ठीक है। Who chaired the 11 member company law committee that submitted its report to Srimati Nirmala Sitharaman to remove criminality from the Companies Act 2013? ये हैं हमारे कौन? इंजेती श्रीनिवास, श्रीनिवास जी ने ये 11 member company law committee जो थी वो head की थी, ठीक है, Companies Act से criminality हटाने के लिए, ठीक है, और रिपोर्ट किसको दी इन्होंने? सीतारमन जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वेयर वॉज द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस फॉर द ईयर 2019 हेल्ड? कहाँ पे हुई है ये? ये हुई है आपकी बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, एशियन समिट इस बार बैंकॉक में ही हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लोबल बायो इंडिया समिट फॉर द ईयर 2019 हेल्ड? कहाँ पे हुई है ग्लोबल बायो इंडिया समिट? ये हुई है आपकी न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु वन द इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 बाय द कमिटीज टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में जो जर्नलिस्ट्स हैं उनको बचाने के लिए, उनकी प्रेस फ्रीडम के लिए जो अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो मिला है, ठीक है, वो किसे मिला है? वो मिला है नेहा दीक्षित जी को. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हु वॉज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ केरला बैंक? केरला बैंक के सीईओ कौन है? ये हैं हमारे पीएस राजन जी. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैलकुलेट AQI पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ओके, उस ऐप का क्या नाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है AQI कैलकुलेट करने के लिए? वो है आपका समीर ऐप. ठीक है, अभी बारिश की वजह से 2-3 दिन पहले जो इतना रहा है AQI बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब 90 रहा है दिल्ली का. कैन यू इमेजिन, लाइक सांस लेने लायक 2-3 दिन ये बीते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, ये कहाँ पे होगा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा आपका हैदराबाद. ये बनेगा आपका हैदराबाद, तेलंगाना में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेम द इंडियन वेट लिफ्टर हु वॉज कन्फर्ड विद द 27th एकलव्य अवार्ड. किन्हें मिला है ये? ये मिला है झिल्ली दाला बेहरा जी को. ओके, ऑप्शन 3. ओके, नेक्स्ट इज हु वॉज कन्फर्ड विद द इंडियाज फर्स्ट क्वालिटी रत्न अवार्ड ड्यूरिंग 27th क्वालिटी समिट हेल्ड इन बेंगलुरु. किसे मिला है? ये मिला है आपके सुरेश कृष्णा जी को. ठीक है, सुरेश कृष्णा जी को ये अवार्ड मिला है, क्वालिटी रत्न अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. वेयर वॉज द फर्स्ट माइन काउंटर मेजर एक्साइज माइनेक्स पार्टिसिपेटेड बाय इंडियन नेवी एंड जैपनीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स? ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई है आपकी कोची, केरल में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच बैंक हैज अप्रूव्ड सेकेंड ट्रेंच ऑफ लोन $150 million फॉर वेस्ट बंगाल टू बूस्ट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? वेस्ट बंगाल की स्थिति सुधारने के लिए, मतलब वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करने के लिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किस बैंक से लोन लिया गया है, किस बैंक ने लोन दिया है, ठीक है, अप्रूव किया है? वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेम द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुज करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फ्रेमवर्क वॉज रिवाइज बाय RBI. किसकी किया है इन्होंने? ये किया है आपका SAARC का. ठीक है, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन. ठीक है, ओके, ओके. क्या इंडिया SAARC का पार्ट है? है, ओके. व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 एज पर द इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्रोजेक्शन? क्या रही है GDP अकॉर्डिंग टू रेटिंग्स एंड रिसर्च प्रोजेक्शन? हमारी रेट ये रही है 5.6%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेम द फर्स्ट इंडियन हु वॉज अवार्डेड विद द ऑनररी फेलोशिप ऑफ द सोसाइटी 2019 अवार्ड बाय द रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी. किसे मिला है ये? जो पहले इंडियन रहे हैं ये किसे मिला है? ये मिला है जी सतीश रेड्डी जी को. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. वेयर डिड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द 3rd generation एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वर एंड मैपिंग सैटेलाइट Cartosat-3 अलॉन्ग विद 13 अदर नैनो सैटेलाइट्स? कहाँ से की गई है ये लॉन्च? ये की गई है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच कंट्री हैज प्लेड द फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया मेन्स टीम इन इंडिया? ओके, किस कंट्री ने किया है? ये किया है बांग्लादेश ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. वट वॉज द इंक्रीज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? ये है 10,000 करोड़. इनको इतनी इनकी कैपिटल इन बढ़ाने की अनुमति मिल गई है. ठीक है, ओके. हु चेयर द 13-member एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू रिव्यू द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल कोड फॉर गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स 2017? किसने की है ये वाली कमेटी चेयर? ये वाली कमेटी चेयर की है आपके मुकुंद कम शर्मा जी ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज.
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 10 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन? ओके, ये किसने किया है? ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हु वॉज कन्फर्ड विद 2019 करमवीर चक्र अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन सेक्टर बाय द इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ इन पार्टनरशिप विद यूएन? करमवीर चक्र किसे मिला है? करमवीर चक्र किसका कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने क्या किया है एजुकेशन सेक्टर में? इन्होंने अपना योगदान दिया है जिसकी वजह से इन्हें ये अवार्ड मिला है. ये हैं आपके राहुल अधिकारी जी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर विद अटल इनोवेशन मिशन एंड लॉन्च द एक्सेलरेटर लैब टू टैकल पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली? किसने किया है अटल इनोवेशन मिशन के साथ ये पार्टनरशिप? ये की है आपकी यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पार्टनरशिप की है पोल्यूशन के अगेंस्ट चीजें. नेम द पार्टनर कंट्री ऑफ 39th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2019. कौन सी थी पार्टनर कंट्री? ये थी आपकी अफगानिस्तान. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच फर्म हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू लिस्ट इट कमर्शियल पेपर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज? किसे किया गया है? कौन सी कंपनी बन गई ऐसी पहली कमर्शियल पेपर स्टॉक एक्सचेंज में डालने वाली? ये बनी है आपकी ये बनी है आपकी आदित्य बिरला, आदित्य बिरला फाइनेंसेस लिमिटेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. विच वॉज द फेमस कंट्री ऑफ द 50th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? कौन सी बन गई है फेमस कंट्री? ये बन गई है आपकी रशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेम द फिल्म दैट बैग द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2019. किसे मिली है ये? ये मिली है पार्टिकल्स को. ठीक है, ऑप्शन 4. हु स्वॉर्न एज द 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? कौन बने हैं? उद्धव ठाकरे जी. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. और गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ माइक्रो फाइनेंस बैंक? जो पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और अब चेयरमैन बन गए हैं माइक्रो फाइनेंस पैनल के, कौन है वे? ये हैं हरुण राशिद खान जी. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. विच टू कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम सूर्य किरण? कौन कौन सूर्य किरण एक्सरसाइज को कौन कौन ज्वाइन करेगा? ये करेंगे इंडिया एंड नेपाल, और ये एक्सरसाइज नेपाल में हुई है. ठीक है, ये हो चुकी है मतलब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Which bank have excluded from the second schedule of the RBI Act 934 with effect from April 1st 2019? ये कौन से बैंक हैं? ये हैं आपके विजय बैंक एंड देना बैंक. ये इनको इसलिए ऐसा किया गया है, इनको इसीलिए सेकेंड शेड्यूल में नहीं रखा गया है, बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि ये बैंक मर्ज हो चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर. ठीक है, इसलिए अब इन्हें खुद से बैंकिंग करने का जो इनके पावर थी वो इनके पास अब नहीं है. ठीक है, इसीलिए इनको सेकंड शेड्यूल से बाहर किया गया है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बहुत अच्छे से आपके एग्जाम दीजिए. ठीक है, ओके, बाय बाय फ्रॉम टॉपर्स हब.